अगर चौको जैसा सुंदर और प्यारा डॉगी आपके गेट के अंदर आना चाहे और आपको पता है कि वो गेट के अंदर आने के बाद आपके ऊपर प्यार और पुच्छियों की बरसात कर देगा, तो बहुत बड़ा दिल चाहिए उसे ऐसा करने से रोकने के लिए, उसे अपने गेट से बाहर करने के लिए। पर यहाँ मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, किसकी वजह से ये सब कुछ? इस हीरो की वजह से। ये हीरो कौन है? पुच्कू। हाँ, पुच्कू, यही इसका नाम है और आज की वीडियो इसी के बारे में है। पुच्कू बच्चा कैसा बच्चा? कभी कभी एक स्टोरी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके रोल को अनदेखा कर दिया जाता है मेन कैरेक्टर्स की लाइमलाइट के आगे, पर एक सुंदर कहानी कहने के लिए ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और पुच्कू एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारी कहानी कहने के लिए, जो कि हमारे स्ट्रे फ्रेंड्स के बारे में है। तो जब डमरू, चौको, हिरन, कॉफ़ी को सारी अटेंशन मिल रही थी, तो ये हीरो मेरी तरफ ऐसे देख रहा होता था जैसे कुछ कह रहा हो कि मैंने क्या गलत किया है। एक नज़र डालिए ज़रा इस पतले कमज़ोर पुच्कू से पपी पे, इसीलिए तो इसका नाम पुच्कू पड़ा है। ये पपी इससे भी ज़्यादा कमज़ोर था जब हमें पहले मिला था। इसकी फैमिली का तो पता नहीं, पर एक छोटी सी क्लिप मिली है इसके चाइल्डहुड की। तो पुच्कू को बाकी सारे कुत्ते डरा के भगा देते थे और उसे खाने के लिए बस कूड़ा या बाकी सब चीज़ ही मिलती थी। ऐसा लगता था कि इसे थोड़ी हेल्प चाहिए हमारे से, ताकि ये बाकी डॉग्स को फेस कर सके और उनके साथ ढंग से रह सके। तो पुच्कू को हमने अपने घर आने दिया और आते ही उसकी पसंदीदा जगह बनी ये सीढ़ी। ये सीढ़ी जो बहुत ही स्पेशल थी, इसके साथ बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। यादें मेरे डॉगी मैक्स की, जो यहाँ बहुत पसंद करता था, और मेरे डॉगी पॉली की, जिसकी ये ओरिजिनल प्लेस थी। तो इस तरह पुच्कू की स्टोरी शुरू हुई। वो बहुत ही ज़्यादा वीक और इनएक्टिव था। बाहर उसको सारे कुत्ते डरा रहे थे, उसे काट रहे थे। उसे बहुत ही ज़्यादा ताकत और सोशलाइजेशन की ज़रूरत थी बाकी कुत्तों के साथ रहने के लिए, पर हम लकी थे कि डमरू हमारे साथ था हमारी हेल्प करने के लिए। पर फिर भी मैं कभी कभी सोचता था, क्या पुच्कू इतना हेल्दी बन पाएगा, सोशलाइज्ड बन पाएगा जितना कि डमरू है? तो पुच्कू की दो फेवरेट जगह थी। सर्दियों में वो सीढ़ी के ऊपर चला जाता और गर्मियों में वो सीढ़ी के नीचे चला जाता। So simple। यहाँ कौन है रे? यहाँ कौन है रे? यहाँ कौन है? कौन घुसा पड़ा है यहाँ पे पुच्कू? तो पुच्कू को अच्छा खाना और प्यार दोनों ही मिल रहा था, बस हमारे ही घर से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों से भी, हमारी पूरी कम्युनिटी से, और वो अच्छा रिजल्ट्स भी दिखा रहा था। यही तो ब्यूटी है कम्युनिटी एडॉप्शन की। तो टाइम के साथ साथ पुच्कू में थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगी और वो मुझे मेरी वॉक्स पे भी फॉलो करने लगा। और मीनवाइल डमरू ने भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, एकदम सच्चे मेंटर की तरह। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, पुच्कू कुछ दिन तो वेट गेन कर लेता, पर उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार उसका वेट लूज होता। वो हमारी सीढ़ी और हमारी छत पे आके उल्टियाँ करने लगा, और कभी कभी तो मेरे घर वाले उसे साफ़ कर देते थे, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया,
मैंने उसके पीछे से खुद ही चुपके चुपके उसकी उल्टियाँ साफ करनी शुरू कर दी। मुझे लगता था वो अभी भी कहीं से कुछ गलत, कुछ कूड़ा खा रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो हमें पुचकू की डाइट इंक्रीज़ करनी पड़ी। उसके और बाकी कुत्तों के लिए एक डॉग फूड के पैकेट मैंने ऑर्डर किया, जो कि अमेज़ॉन में मुझे बहुत अच्छी डील में मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया, क्योंकि मैं चाहता था कि पुचकू भी बाकी कुत्तों की तरह खेले, और पुचकू प्रोग्रेस कर रहा था। पुचकू की प्रोग्रेस मतलब हमारी खुशी, खुशी पुचकू को बॉल के साथ खेलते देखने की खुशी। अच्छा खाना खाने के बाद पुचकू की एक्टिवनेस भी इंक्रीज़ हो रही थी और उसकी उल्टी वाली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई, और अब हम दूसरे लेवल पे जा सकते थे। पुचकू को बहुत ज़रूरत थी अपनी ताकत और कॉन्फिडेंस गेन करने की बाकी कुत्तों के साथ रहने और सर्वाइव करने के लिए। स्ट्रेंथ के मामले में पुचकू सही प्रोग्रेस कर रहा था, और हमारे घर में वो बहुत इंजॉय भी करता था। इन सूखती हुई बेशकीमती मिर्चियों की तरफ देखो। जब बारिश होती थी तो इनकी रखवाली करता था मेरा भांजा नील, और जब बारिश ख़त्म हो जाती थी, धूप का मौसम होता था, तो इनकी रखवाली करता था नन अदर देन आर ओन पुचकू, हमारा प्यारा पुचकू। तो टाइम के साथ साथ पुचकू ने कॉन्फिडेंस भी गेन करना शुरू करा। मुझे लगता था ये बस डमरू के गाइडेंस की वजह से ही है, पर अब टाइम हो रहा था उसकी प्रोग्रेस टेस्ट करने का। पुचकू का पहला टेस्ट हिरन से मिलने का, बिना खुद को कटवाए। तो इधर सामने से हिरन आ रहा है, तो हिरन ने टोटली उसको साइज़ अप किया, देखा उसका साइज़ कितना है और इग्नोर किया। मेरे और पुचकू के लिए ये एक सक्सेस से कम नहीं था। अब नेक्स्ट टेस्ट था पुचकू का कॉफ़ी से मिलने का। तो कॉफ़ी सामने से आ रहा था और ये दोनों मिले, पर कॉफ़ी इसे काटने वाला था। उसने डोमिनेट किया, पर मुझे कॉफ़ी को अपनी तरफ बुलाना पड़ा। टेस्ट रिजल्ट जस्ट ओके, क्योंकि कॉफ़ी ने पुचकू को काटा नहीं और पुचकू डरा नहीं। चलो एक सरप्राइज़ देखते हैं। मैंने देखा रात को पुचकू और हिरन खेल रहे थे, और पुचकू ने हिरन को टोटली डोमिनेट किया। गुड जॉब पुचकू, तुम कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, और यही तो अब हमें चाहिए। गुड जॉब। बट पुचकू का रियल टेस्ट होगा चौको के साथ। क्या पुचकू इसके लिए तैयार है? क्या उसके गुरु ने इसको कुछ एडवाइस दी है इसके लिए? चौको के साथ दोस्ती करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट मीटिंग विद चौको। पुचकू तो एक्साइटेड लग रहा है। भाई कटवा मत लेना खुद को। तो पहली बारी तो चौको ने एकदम इग्नोर किया और उससे दूर भाग गई। काटा नहीं पुचकू को, इसका मतलब कुछ तो सक्सेस है। पर इतना ही इनफ नहीं है पुचकू के लिए, अगर उसने पैक के साथ रहना है। अच्छी बात यह है कि अभी पुचकू कम से कम हिरन के साथ अच्छी तरह रहना सीख गया है। पर केवल हिरन के साथ, चौको के साथ नहीं। चौको अभी भी उसके ऊपर झपटती है और उसको भगा देती है। तो मेन डाउट ये था कि क्या पुचकू चौको को अपना फ्रेंड बना पाएगा। एक मॉर्निंग जब मैं बाहर जा रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पुचकू लेटा हुआ है और उसके आसपास यहाँ चौको लेटा हुआ है। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा है, पर सच था। पुचकू ने फाइनली कर दिखाया। वो उन डॉग्स के साथ दोस्ती करने में कामयाब हुआ जो कभी उसको काटते थे और उसको भगा देते थे। इतनी मेहनत करने के बाद ये पिक्चर कितनी सेटिस्फैक्टरी है, कितनी संतोषजनक है, मैं बता नहीं सकता। वहीं कुछ दिनों के बाद पुचकू भी तो ये सरप्राइज़ देना नहीं छोड़ता। देखो क्या हो रहा है, पुचकू चौको के साथ खेल रहा है। अरे वाह,
पुचकू ने चौको को अपना दोस्त बना लिया। वाओ पुचकू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पुचकू बधाई का पात्र है, क्यों? क्योंकि वो एक सर्वाइवर है, बहुत ब्रेव और बहादुर है। पुचकू ने कभी भी हौसला नहीं छोड़ा, पर उसे हेल्प चाहिए थी, हेल्प उसके दोस्तों की। अब वो अपने नए दोस्तों के साथ पीसफुली रह सकता है, अपना सर ऊंचा उठाकर। तो ये थी पुचकू की स्टोरी, पर आज आपको एक फन फैक्ट पता चलेगा। क्या आपको पता है कि पुचकू अपनी पूंछ से परफेक्ट सर्कल बना सकता है? ये देखिए। इसी बात पे थैंक यू, स्टे पॉजिटिव।